गाइस, ये बात है उस जमाने की जब हम लोगों ने माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक एक सीरीज स्टार्ट की थी। काफी मजा भी आ रहा था मुझे और भैया जैक को, और आप लोग भी खुश थे, चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। लेकिन गाइस, एक दिन ऐसा हुआ यार कि वन ब्लॉक का वर्ल्ड हम लोगों से अचानक डिलीट हो गया। अभी पता नहीं कैसे डिलीट हुआ, हम लोगों को भी नहीं पता चला। लेकिन गाइस, जैसे हम लोग माइनक्राफ्ट में गए और हमने देखा यार हमारा वन ब्लॉक का वर्ल्ड गायब हो चुका है, तब मैं और भैया जैक काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि अब हम लोग को करना क्या चाहिए। आप लोग एक कमेंट सेक्शन में RIP वन ब्लॉक। और उस समय हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम लोग करें क्या आखिरकार। तब मैंने और ओगी ने एक डिसीजन ले लिया कि अब हम लोग को अपने दोस्तों को बताना ही पड़ेगा कि वन ब्लॉक के साथ हुआ क्या है। और तब जाके गाइस हमने Q&A में आप सभी को बता दिया कि वन ब्लॉक के साथ क्या सीन हुआ था यार। लेकिन हम लोगों ने Q&A में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या हम लोग वन ब्लॉक को दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि गाइस वन ब्लॉक के साथ हमारी बहुत सारी याद जुड़ी हुई थी यार, और हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वन ब्लॉक का RIP हो जाए। लेकिन फिर गाइस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एकदम भसड़ी बाजी मचा दी। आप लोग के कमेंट सेक्शन पढ़कर तो मुझे और ओगी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो वन ब्लॉक को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और फिर क्या था गाइस, आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वन ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगा यार, क्योंकि आप लोगों ने इतना जो सपोर्ट और प्यार दिया, क्योंकि मैं और भैया जैक को तो अब लगने लगा था कि अब वन ब्लॉक का कुछ भी नहीं होगा, और हम लोग का स्टार्ट करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं वन ब्लॉक की एक और नई सर्वाइवल सीरीज। और इस बार मेरा और ओगी का आप सभी से वादा है कि इस बार की जो वन ब्लॉक की सीरीज है ना, एकदम कंटिन्यू रहेगी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ओए, तो चलो गाइस आओ सभी मिलकर खेलते हैं वन ब्लॉक। हे भैया, वैसा भी ब्लॉक है, चलिए तोड़ना शुरू कर दीजिए। ओए मुन्ना, बिल्कुल तेरे भैया का 2.5 किलो का हाथ है, तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटता। ओए ये क्या लकड़ी आ गई? हाँ भैया, लकड़ी ही आ गई। हे भैया, चेस्ट मिल गया। और चेस्ट कहाँ है? लकड़ी है। और ये क्या चेस्टी था? हे भैया, खोलना तो चाहिए था ना यार। देख मुन्ना, इधर के ग्राफिक्स वैसे कमाल के लग रहा है ना। हाँ भैया, सन तो एकदम कमाल का लग रहा है। और गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को इस गेम के ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं। मैंने और भैया जैक ने चेंज करने की कोशिश की है। चलिए भैया, अब जल्दी से एरिया को एक्सटेंड कर लेते हैं। ओए, अभी 3 ही डर्ट मिली थी, लगा दी मैंने मुन्ना। हाँ भैया, चलिए सही किया। अब चलिए भैया, जल्दी जल्दी माइनिंग कीजिए, रात भी होने वाली है। ओए मुन्ना, मुझे पता है रात होने वाली है, कौन सा भी ज़ॉम्बी आने वाले हैं। हे भैया यार, आपने उस डर को क्यों तोड़ दिया? ओए गलती हो गई, चल लगा दूंगा। हे भैया यार, यहाँ पर आपने एक भी चीज वेस्ट की ना, तब तो भैया आप जानते हैं ना क्या हाल होता है। हे भैया, ये कौन आ गया यार? ओए ये कहाँ से आ गया? ओए पिगी, यहाँ क्या करने आया है? हे भैया, स्पॉन हो गया। चलिए भैया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। हे पिगी यार, कैसे हो? मैं वो पिगी हूँ, हमने कब कहा तुका हुआ है? ओए हे भैया, इसको संभाल कर रखिए यार। देखिए भैया कितना किनारे में है। और रुक जा मुन्ना, मैं इसे संभाल लूंगा, रुक जा, डर्ट लगाता हूँ। ओ इधर से लगा दिए एक डर्ट। और मुन्ना, इसकी आवाज सुनकर मुझे इसका नाम याद आ रहा है। हे भैया, आपने नाम भी सोच लिया यार? और फिर भी रख देते हैं ना। हे भैया यार, क्या नाम सोचा है बताइए। और मुन्ना, इसकी आवाज एकदम डिल्लू जैसे जो हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड में था, उसका ड्रैगो का दोस्त। हाँ भैया है तो। और तो नाम इसका डिल्लू रख देते हैं ना। हो तेरा नाम आज डिल्लू है, कैसा लगा? ओए ए, ये कैसा नाम है? मेरा नाम तो सुपर हीरो होना चाहिए, सुपर पिगी। ओए हद में रहकर नाम ले ले। ओए सुपर पिगी, ओए बड़ा आया सुपर बनने वाला, चुपचाप से बैठा रहना, तो डिल्लू से भी नाम छीन लूंगा तेरा। ओए हे भैया, हो गया ना, जाना दीजिए। और जाने क्या दू, सुपर अपने आप को समझने लगा, आज ही आया और अपने आप को सुपर कहने लगा। ओए मुन्ना देख, एक तरफ सन है, एक तरफ मून है, कितना प्यारा लग रहा है ना आसमान। हाँ भैया वो तो है यार। चलिए भैया, मैं एक सैपलिंग लगा देता हूँ, और सैपलिंग से पेड़ उगेगा ना। हाँ भैया, पेड़ का काफी काम किया है। भैया इसको गिरने मत दीजिएगा। ओए डिल्लू इधर आजा पागल, उधर गिर जाएगा। ओए हे, मैं तो तुम लोग को देख रहा हूँ, तुम लोग तो माइनिंग कर रहे हो। ओए तो माइनिंग नहीं करेंगे तो एरिया कैसे एक्सटेंड करेंगे? ओए चल मुन्ना, मैं जल्दी थोड़ा सा प्लैंक्स निकाल लेता हूँ। हे भैया, अभी क्या काम प्लैंक्स का? और थोड़ा सा एरिया को एक्सटेंड किया जाए, नहीं तो इतने में गिर जाएंगे हम लोग सभी के सभी। ओए और ये ले, क्राफ्टिंग टेबल जरूरी है। हे भैया, अब तो आप सीख गए हैं यार, एकदम बढ़िया से कर रहे हैं सभी चीजें। ओए मुन्ना, तेरा भैया सबसे पहले सीख गया था, और तुझे भी तेरे भैया ने सिखाया है। ओए हे भैया यार, आपकी तारीफ कर दे तो भैया आप तो तारीफे के झोंके लगा देते हैं। ओए मुन्ना, तो अपने भैया को लगता है जानता नहीं, इतने दिन से भैया के साथ रह रहा है फिर भी नहीं जानता। तू जानता है ना, तेरा भैया जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता है भैया मैं जानता हूँ डेफिनेटली करते हैं। ओ तो बस हो गया ना। हे भैया, अब चलिए डेफिनेट तरीके से माइनिंग भी कर लीजिए। ओए माइनिंग तो छोड़िए, क्या हो गया हमारे साथ? हे भैया, मुझे भी लगा यार, मैं लगता है नीचे गिर गया। ओए मुझे भी लगा था, पता नहीं क्या था, शायद भैया ग्रेवल नीचे गिरा होगा इसीलिए ऐसा लगा होगा। ओए ग्रेवल भी मिलता है क्या? है भैया सब कुछ मिलता है, ये वन ब्लॉक है भैया, भूल गए क्या? ओए मुन्ना, बहुत दिन हो गए थे ना वन ब्लॉक को खेले, इसलिए लगता है भूल ही गया। ओए हे भैया, बिना इसी तरह भूल जाते हैं। हे भैया, ये लगता है ये पिगी गिर जाएगा। ओ पिगी इधर आ जा, तुझे बार बार समझा रहा हूँ।
इधर पहले चेस्ट रखता हूँ और सामान को पहले इकट्ठा कर देता हूँ, नहीं तो हम लोग कहीं ना नीचे गिर जाए स्पीकर के चक्कर में और पूरा सामान भी चला जाएगा। ओए ओए डिल्लू, तुझे बार बार समझा रहा हूँ ना, इधर चलाओ। ये क्या, देख मुन्ना बच गया। ए डिल्लू यार इधर चले आओ, नहीं तो सचमुच गिर जाओगे। मैं नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं सुपर पे गई हूँ। ओए मुन्ना ये अपने आप को सुपर समझने लगा। ओ ये क्या, हे भैया चलिए बकेट ऑफ वाटर मिल गया, जल्दी से रख दीजिए। बस वही रख रहा हूँ मुन्ना, बस एक और बकेट मिल जाए फिर हम लोग अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर बना देंगे। ओए हाँ भैया वो तो बना ही देंगे। चलिए भैया इस चेस्ट को निकालिए। ओए वही निकाल रहा हूँ, रुक जा। चल मुन्ना थोड़ा सा डर्ट को माइंड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड कर ले, नहीं तो ये डिल्लू लगता है पागल लग रहा है, अभी गिर ना जाए। ओए हाँ भैया मुझे भी लगता है। चलिए भैया अब थोड़ा सा माइनिंग को स्टार्ट करते हैं। वैसे भैया देखिए आसमान में तारे ही तारे हैं यार, कितना अच्छा लग रहा है ना यार। हे गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये ग्राफिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। ओ ये विलेजर की आवाज कहाँ से आई? हे भैया विलेजर की नहीं है ये, देखिए हर्ट वाला चेस्ट आ गया जो भैया हम लोग को उस वन ब्लॉक में मिला करता था। ओ ये क्या, अब तो कमाल ही हो गया, रुक जा सामान रखता हूँ फिर देखता हूँ। ओ मुन्ना ये तो वही वाले हर्ट वाले चेस्ट है ना जिसमें हम लोग को अच्छी अच्छी चीजें मिला करती है। हाँ भैया वही वाले है। चलिए भैया जल्दी से देखते हैं क्या मिलता है। हे यार भैया खोलिए ना। ओए रुक जा आराम से खोल लेते, पहले मैं एरिया एक्सटेंड करूंगा, तो कोई चीज हो गिर ना जाए गलती से। हे भैया यार चीजें कैसे गिरेगी। ओए डिल्लू तो इधर चला आया, ये क्या मिल गया? हे भैया यार लकड़ियाँ मिल गई, लेकिन भैया एक टॉर्च भी मिल गई यार। चलिए कम से कम अंधेरा है, कम से कम थोड़ा सा उजाला होगा। चलिए भैया लगा दीजिए। और रुक जा लगाता हूँ, ये ले लग गई है। भैया यार देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यार। और मुन्ना कम से कम थोड़ा सा उजाला तो हुआ, अब अच्छा लग रहा है। हाँ भैया यार अच्छा लग रहा है इस ग्राफिक्स की वजह से भैया, और भी अच्छा लग रहा है यार। चलिए भैया अब हम लोग फिर से माइनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और मुन्ना मैं सोचा थोड़ा सा एरिया को एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ भैया चलिए आप बहुत देर से एरिया कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही लेते हैं। कम से कम भैया डिल्लू को उधर साइड भेज देंगे, नहीं तो भैया ये देखिए कितना किनारे में खड़ा हुआ है ना। ओए बिल्कुल सही कहा, लगता है पागल है, आते ही अपने आप को सुपर समझने लगा। हे भैया अभी छोटा है यार। वो भैया अपने आप को सुपर कहे चाहे कुछ भी कहे, चाहे सुपर हीरो कहे भैया, समझ दे जीजे ना। ओए मुन्ना तू कैसी बात कर रहा है, सुपर का किताब ऐसे नहीं मिल जाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करने पड़ती है बंदे को, बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। देख तेरे भैया को आज सुपर का किताब मिल चुका है। हे भैया आपको कब मिला यार? ओए मुन्ना तू जानता नहीं है तेरे भैया सुपर डुपर है। ओए हे भैया मतलब आपने पापड़ भी बेले? ओए पापड़ बेलने का मतलब पगले मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भैया मैंने तो कभी नहीं सुना था कि आप भैया सुपर डुपर है। ओए क्या बोला तूने, अब तो बात ही नहीं करेंगे उस टॉपिक के बारे में। हे भैया बताइए ना यार। मतलब कि भैया आप सुपरमैन जैसे उड़ भी सकते होंगे, हे भैया सुपरमैन जैसे पावर भी होंगी। ओए मुन्ना मैं उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हे भैया बताइए ना यार। ओए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा तुझे भी मैं। ओए हे भैया चलिए ठीक है। हे डिल्लू ये लो तुम्हारे लिए हमने जगह भी बना दी। हे बहुत बहुत शुक्रिया। ओए तो शुक्रिया, रुक जा अभी तुझे वहां पहुंचाना है। ओए ये क्या मुन्ना, हे भैया फेस खत्म हो गया यार। ओए चल कम से कम फेस तो खत्म हुआ। ओए डिल्लू चल तेरे इंतजाम कर दिया है। हे भैया यार इतने में तो गिर जाएगा ये। ओए ये क्या नया फेस आ गया। हाँ भैया नया फेस तो आ गया, लेकिन हम लोग को इसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए यार। वो तो कम्प्लीट कर लेगा ना, पहले हम लोग को थोड़ा सा डर तो माइंड कर लेने दे। हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया मैं भी आपका साथ देता हूँ, नहीं तो मुन्ना अभी तुझे पता है ना जॉम्बी वाला फेस आ जाता है, ये तो फेस 3 है शायद जॉम्बियों वाला। हाँ भैया पता नहीं फेस 2 है कि फेस 3, शायद भैया फेस 2 में आएगा जॉम्बी वगैरह। और तो अभी कौन सा फेस चल रहा है, अभी तो भैया फेस 1 आपका एंड हुआ है, फेस 2 चल रहा है, पता नहीं कब आएंगे जॉम्बी। ओए कहीं इसी फेस में तो नहीं आ जाएंगे। और मुन्ना अभी तो हमारा छोटा सा आइलैंड है, यहाँ आके क्रीपर आ गया तो पूरा आइलैंड ही उड़ा देगा। ओए हाँ भैया वो तो है, उसमें बड़ी बात है, हम लोग सभी उड़ जाएंगे, कितना उड़ने मजा आएगा। ओए पगला गया क्या, ओए पूरा एरिया एक्सटेंड कर ताकि थोड़ा सा भागने मदद मिले और उस क्रीपर को भी तोड़ने में थोड़ा सा मजा आ जाए। ओए भैया क्रीपर टूटते कहाँ है, वो तो फूट जाते हैं ना आते ही। ओए मुन्ना तेरा लगता है इलाज कराना पड़ेगा, पगला गया क्या तू। ओए हे भैया चलिए ठीक है यार, अब हम लोग सीरियस गेम प्ले करेंगे। ओए तो अभी कौन सा गेम प्ले कर रहा था। ओए चल मैं थोड़ा सा एरिया को एक्सटेंड करता हूँ। ओए डिल्लू गिरना नहीं, बहुत ही संभाल कर तुझे लाया है। ओए ओए ये पेड़ कब उगेगा, उतनी देर से दिमाग खराब कर रहा है, क्योंकि भैया पेड़ के आसपास उगने की इतनी जगह ही नहीं तो कैसे उगेगा। ओए तो अब तो उग जाएगा ना। हाँ भैया अब देखते हैं कब तक उगता है, बस थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लूँ। हे भैया संभाल कर यार, ये क्या कर दिए थे। ओए पता नहीं मुन्ना, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। ओए हे भैया संभाल कर रहिए यार, अभी तो हमारा एरिया भी इतना ही बड़ा हुआ। और भैया देखिए पहले मैं डर्ट रख देता हूँ, नहीं तो आप गिरा ना दे। और मुन्ना चल डर्ट को क्यों रख रहा है, हे भैया अभी गिर जाएंगे तो। और डिल्लू चल तेरे लिए जगह बना दी है, जा उस पार चला जा, अभी नहीं जाएगा भैया। और ये भैया रात भी पता नहीं कब जाएगी, चलिए भैया थोड़ा सा माइनिंग कर लेते हैं तब तक।
और मैं तो थक गया होगी। हे भैया देखे नया पिगी आ गया यार। और बहुत देर बाद कोई पिगी आया। ओए लेकिन एक पिगी तो हमारे पास ऑलरेडी था, कम से कम कोई काऊ वगैरह दे देती, सीप वगैरह दे देती तो कम से कम उससे वूल मिलता। हे भैया वैसे कैसे वूल कलेक्ट कर लेते हैं, अभी तो भैया हमारे पास वो भी नहीं है जिससे भैया वूल कलेक्ट की जाती है, और तो मार देते ना उसको। हे भैया एक ले दे का सीप आती उसको भी मार देते। ओए वो कहाँ चला गया पिगी? ओए डिल्लू कहाँ चला गया? हे मैं तो उधर ही हूँ। ओए तू भी चला जाना, देख वो चला गया उधर साइड। हे मुझे यहीं पर अच्छा लग रहा है, मैं यहीं पर रहूंगा। ओए मुन्ना ये डिल्लू मेरा और भी दिमाग खराब कर रहा है। ओए हे भैया डिल्लू को इग्नोर मारिए। चलिए भैया थोड़ा सा हम लोग फेंसेस बना लेते हैं ताकि भैया उधर के हम लोग एरिया को कवर कर सके। ओए फेंसेस चल ठीक है बना ही लेते हैं, नहीं तो डिल्लू पिल्लू पता नहीं गिर ना जाए। ओए और मुझे लगता है ये तो नहीं गिरेगा, हम लोग का जरूर गिरा देगा। ओए हाँ भैया यार पता नहीं। चलिए भैया अब लगता है सुबह भी होने वाली है, और कम से कम मुन्ना सुबह तो हो जाए, रात में मुन्ना काम करने मजा नहीं आती। ओए ए भैया बस एक बार हम लोग के पास बेड आ जाने दीजिए, तब भैया हम लोग नाइट को भी स्किप कर देंगे। ए भैया ये क्या यार, एक फेंस वेस्ट चला गया। ओए तूने तो फेंका था ना। हे भैया मैं सोच रहा थोड़ा सा और भी एरिया को एक्सटेंड कर फेंस लगाया जाए, लेकिन भैया नीचे चला गया। और चल कोई बात नहीं नया बना लेंगे। ओए चल मुन्ना तब तक मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ, उसके बाद तो फेंस बना के ले आना। ओए हाँ भैया वही करूँगा। चलिए भैया इधर भी कर दीजिए सब जगह, भैया थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। ओए वही कर रहा हूँ, इधर से फेंस लगाते हैं। हे भैया लगता है फेंस कम पड़ जाएंगे। ओए मुझे भी लगता है। ओए मुन्ना देख सुबह हो रही है। हाँ भैया कम से कम सुबह तो होने दीजिए। कम से कम भैया अब रात तो चली जाएगी सुबह आएगी। ओए बिल्कुल सही कहा मुन्ना, सुबह तो हम लोग अच्छी माइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुन्ना रात को माइनिंग करने मजा भी नहीं आती। ओए हाँ भैया पहला दिन था तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओए चल मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिया मुन्ना। हाँ भैया और भी बना लीजिए, इतने में क्या होगा? ओए कितने बना लूँ? ओए मुन्ना तुझे पता है ना ये वन ब्लॉक है, हम लोग को शुरू में रिसोर्सेस को बचाना पड़ता है। हाँ भैया वो तो है। ए भैया वो वाला पिगी कहाँ चला गया यार? ओए डिल्लू पिगी को कहाँ फेंक दिया? ओए हे मैं नहीं जानता, लगता है नीचे कर गया। और मुन्ना एक ले देकर पिगी आया था, और ये डिल्लू नीचे गिर जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, कम से कम वो पिगी मुन्ना शांत होता है, ये डिल्लू बहुत बोलता है। ओए ओए डिल्लू गिरा दिया तूने, अच्छा नहीं किया, बेचारा गिर गया। ओए हे भैया इधर भी फेंस लगा दीजिए। चलिए भैया इधर भी कंप्लीट हो गया। हे डिल्लू यार तुम उधर जाओ यार। हे मैं नहीं जाना चाहता, ओए चला जा तोड़ दूंगा, वहीं पर आएगा सेफ रहेगा, यहाँ गिर जाएगा डिल्लू। ओए क्योंकि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, हम लोग का भरोसा नहीं है। रुक जाइए भैया, उसको उस पार जाने में लगता है डर लग रहा है। तब तक मैं भैया थोड़ा सा डर्ट लगा देता हूँ, शायद चला जाए। ओए बिल्कुल सही कहा। ओए ये क्या, ये तो ऐसे ही चला गया। ओए ऐसे ही नखरे दिखा रहा था। हाँ भैया चलिए फिर भी डर्ट लगा ही देते हैं, और इधर भी लगा देते हैं तब सही रहेगा, कम से कम हम लोग को गिरने का डर भी नहीं रहेगा। ये लीजिए भैया मैंने अपना आइलैंड भी एक्सटेंड कर दिया, भैया कम से कम हम लोग को सेफ्टी तो रहेगी, नहीं तो भैया वन ब्लॉक में तो डर लग रहा था कहीं नीचे ना गिर जाए। और बात तो सही कही मुन्ना, कम से कम एक्सटेंड तो हो गया। ये देख मुन्ना मुझे दिल्ली के ऊपर गुस्सा आ रही है। ओए दिल्ली उधर क्यों चला आया? मेरी मर्जी, मैं चाहे जिधर जा सकता हूँ। ओए तो मेरी मर्जी ये भी होती है तुझे तोड़ने की? ओए भैया छोड़िए ना। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि हम लोग एक नया चैनल भी है जिसमें हम लोग अपनी रियल वॉइस में वीडियो डालते हैं, वो भी एकदम फनी वे में, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ की वीडियो आप देख लेना। वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओए दोस्तों बाय बाय। Girls with their nails done now.